मूवी के स्टार्ट में हमें बेन गेट्स नाम का लड़के को दिखाया जाता है, जिसका पूरा नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स था, जो किसी चीज़ की तलाश कर रहा था। तभी वहाँ उसके दादाजी आते हैं। वो उसे एक खजाने के बारे में बताते हैं। बहुत सारा खजाना एक गुप्त रूम पे छुपाया गया है, जिसे पाने के लिए आपको पहेली को सॉल्व करना पड़ेगा। वो खजाना एक राजा या एक आदमी नहीं, पर पूरे राज्य के बराबर है। वो खजाने का पहला सुराग उन्होंने थॉमस गेट्स को दिया। वो चिट बेन को दिखाते हैं, जिसमें लिखा था द सीक्रेट लाइज विद चार्लेट। तभी बेन के पिता वहाँ पर आते हैं। वो मानते थे कि खजाना जैसा कुछ नहीं है। वो बेन को वहाँ से ले जाते हैं, पर बेन कसम खाता है कि वो खजाना जरूर ढूंढ निकालेगा। बेन और उसकी टीम आर्कटिक में खोज कर रहे थे। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बेन की टीम उसे कहती है कि यहाँ पर कोई शिप नहीं है। तभी बेन को बर्फ की खुदाई करते वक्त एक सॉलिड चीज का पता चलता है। वहाँ पर बेन चार्लेट नाम का शिप ढूंढ लेता है, यानी कि वो अपने दादाजी की बात को सच साबित करना चाहता था। बेन उसके स्पॉन्सर इयान को शुक्रिया करता है, क्योंकि उसी की वजह से वो शिप को ढूंढ पाया था। वो सभी शिप के अंदर जाते हैं। वो अंदर जाकर सभी कमरों को ध्यान से चेक करते हैं। हथियारों के कमरे में भी उसे सिर्फ गन पाउडर ही मिलता है। बेन को ये बात अजीब लगी, क्योंकि कैप्टन सिर्फ एक ही बैरल को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके पास से वो बैरल लेकर उसे तोड़कर उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक स्मोकिंग करने का शिगार था, पर वो शिगार कोई मामूली नहीं था। उसके अंदर कुछ लिखा था। बेन अपना खून उसके ऊपर लगाता है। वो एक नोट में लिखी हुई जानकारी को नोट करता है। वो एक पहेली थी। बेन उसे समझने लगता है, जिसे सॉल्व करने के बाद बेन कहता है कि एक अदृश्य नक्शा जो गायब हो जाने की शाही से लिखा है, उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस करने के बाद वो हमें दिखाई देगा। बेन आगे की पहेली से पता लगाता है कि वो स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के पीछे है। ये बात सुनकर इयान कहता है कि हमें वो घोषणा पत्र को चुरा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें उस पर केमिकल प्रोसेस करने की मंजूरी नहीं देगी। तभी बेन कहता है कि मैं तुम्हें हरगिज सजा नहीं करने दूंगा। इयान बेन को मार देने को कहता है। बेन कहता है कि खजाने के रास्ते में और भी पहेली है, जिसे सुलझाने में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। बेन फायर लाइट को जलाता है और पूरा शिप उड़ा देने को कहता है। वो उसे इयान की तरफ फेंक देता है, पर इयान उसे पकड़ लेता है। पर तभी उसके हाथ में बहुत ही गन पाउडर था, इसीलिए वो जलने लगता है। बेन और उसके दोस्त राइली को वहाँ पर ही छोड़कर वो चले जाते हैं। वो दोनों एक तहखाने में छुप जाते हैं, इसीलिए वो दोनों बच जाते हैं। बेन वापस आकर FBI को बताता है, पर वो उन पर यकीन नहीं करते। बेन एक एविगेल नाम की लड़की से मिलता है, जो कि म्यूजियम में ध्यान रखती थी। तभी बेन वहाँ सिक्कों का कलेक्शन देखता है। वो कहता है कि इसमें 1789 का पहला सिक्का नहीं है। एविगेल कहती है कि आप जरूरी बात करना चाहते हैं तो कहिए। बेन उसे घोषणा पत्र चुराने की कोशिश करने की खबर देता है। वो उसे अदृश्य नक्शे के बारे में बताता है जो घोषणा पत्र के पीछे है, इसीलिए वो उसके ऊपर केमी टेस्ट करने की अनुमति चाहता है। वो उन पर यकीन नहीं करती। बेन वहाँ पर घोषणा पत्र को देखता है। वो राइली को कहता है कि हमें इसे इयान से पहले चुराना होगा। वो लाइब्रेरी में जाकर सभी चीज़ों का पता लगाता है। राइली कहता है जब उसके सेंसर को हीट महसूस होगी तो घोषणा पत्र नीचे तिजोरी में चला जाएगा। राइली कैमरा का एक्सेस लेता है। बेन एक नकली कार्ड बनवाता है, जिससे वो पार्टी में घुस सके। बेन एविगेल को वो आखिरी सिक्का भेजता है। राइली हीट की मदद से घोषणा पत्र को नीचे भेज देता है। बेन एविगेल को एक ड्रिंक के लिए ऑफर करता है और उसे एक ग्लास देता है। बाद में वो ग्लास उससे लेकर उस पर से उसके फिंगरप्रिंट लेता है, जिसका उपयोग करके बेन नीचे पहुँच कर घोषणा पत्र को चुराता है। जब वो जा रहा था तब इयान वहाँ पर उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। बेन नक्शा निकाल कर भाग रहा था, तब एविगेल समझ जाती है, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं था। तब शॉपकीपर उसे रोककर उससे $35 लेती है, पर बेन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो कार्ड से पेमेंट करता है। बेन जब वैन के पास आ गया तो एविगेल उससे घोषणा पत्र लेकर म्यूजियम में जा रही थी। तभी इयान उसे उठा लेता है। रास्ते में बेन एविगेल को बचा लेता है। जब इयान वो चेक करता है तो वो नकली था। बेन असली घोषणा पत्र एविगेल को उसके वैन में दिखाता है। बेन घर पर जाने से मना करता है, क्योंकि उसने कार्ड से पेमेंट किया है। FBI वाले वहां पर पहुंच जाएंगे। बेन उसके पिता के घर पर आता है। उसके पिता बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उसने भी कई साल बर्बाद किए।
और उसका बेटा भी यही कर रहा है। बेन उस घोषणा पत्र पर नींबू का रस और हीट देकर कुछ नंबर को नोट करता है। बेन कहता है कि ये सेलिस टू गुड के लेटर का पेज, लाइन और अक्षर का नंबर है। उसके पिता के पास से वो लेटर मांगता है, पर उसके पिता कहते हैं कि मैंने तो वो इंस्टीट्यूट में डोनेट कर दिए हैं। तभी FBI वाले वहां पर आ जाते हैं। तब तक वो सब चले गए थे। राइली एक लड़के की मदद से वो लेटर का पता लगाता है, पर इयान को पता चल जाता है। तब तक बिल को वो आखिरी लेटर मिल गया था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। आखिरी नोट इयान के हाथ में आ जाता है। राइली, बेन और एविगेल के पास आता है। तभी वो हमें लिबर्टी बेल पर जाना है ऐसा कहता है। बेन $100 का नोट देखकर इंडिपेंडेंस हॉल की घड़ी का टाइम देखता है, क्योंकि उसकी छाया से अगला सुराग मिलेगा। वहां पर बेन को ईंट पर एक निशान मिलता है, जिसे निकालने पर उसे एक चश्मा मिलता है। उसकी मदद से वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और घोषणा पत्र को देखते हैं। उसे ध्यान से देखने पर एक नया ही नक्शा बन जाता है, जहाँ पर लिखा था हियर एट द वॉल, और बेन समझ जाता है कि अब उसे कहाँ पर जाना है। पर तब तक इयान उसका पता लगा लेता है। वो उनके आदमी और इयान उन सभी का पीछा कर रहे थे, और वो कुछ भी तरीके से उसके पीछा छुड़वाता है। पर बेन को FBI वाले पकड़ लेते हैं, और इयान के पास वो नक्शा आ गया था। FBI वाले बेन को घोषणा पत्र देने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुमने चोरी की गई है और अब तुम्हें जेल में भी जाना पड़ेगा, पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम हमें वो घोषणा पत्र दे दो, और या तो जिसने चुरा है उसे पकड़ने में हमारी मदद करो, पर तुम्हें जेल तो दोनों में ही जाना पड़ेगा। तभी उसे इयान का कॉल आता है। वो उसे न्यूयॉर्क आने को कहता है वो चश्मा लेकर, और वो FBI वालों को भी कहता है कि वो अकेला आएगा। FBI वाले उसके साथ जाते हैं, पर इयान के प्लान के मुताबिक वो बेन को पानी में कूद जाने को कहता है। वहां से बेन FBI की पहुंच से दूर हो जाता है। बेन को पता चल जाता है कि एविगेल के कहने पर ही बेन को इयान के पास लाया गया है। वो बेन को छुड़ाने के लिए इयान के साथ हो गए हैं। बेन इयान के पास आता है। वो उसे गलत जानकारी देता है, पर इयान समझ गया था कि उसकी हरकत ही ऐसी थी, इसीलिए वो उसके पिता और टीम को पकड़ लेता है और सच कहने को कहता है। तब बेन उन सभी को चर्च में ले आता है, जहाँ पर बैठ कर वो चश्मे की मदद से घोषणा पत्र को दोबारा देखते हैं, पर इस बार चश्मे के कांच को ऊपर करते हैं, जिसे नक्शे के ऊपर पार्किंगटन लेन लिखा आता है। वो चर्च के नीचे जाकर चेक करते हैं, वहां पर उसे पार्किंगटन लेन का निशान मिलता है। उसे तोड़कर अंदर जाते हैं। आगर जाकर उसे एक खाई मिलती है। वो सीढ़ियां बहुत ही कमजोर थी, वो बार बार टूट रही थी। वो लिफ्ट की मदद से नीचे जाते हैं। वहां पर उसे एक रूम मिलता है, पर वो पूरी तरीके से खाली था। वहां पर कोई खजाना नहीं था। तभी उसके पिता लालटेन की मदद से एक सुराग निकालते हैं। वो इयान को सब कुछ बता देते हैं, और इयान उन सभी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी बेन समझ जाता है कि उसके पिता ने उसे झूठ बोला था। बेन एक बटन को दबाकर एक कमरा खोलता है, पर वो भी खाली था। ये खाली कमरे को देखकर सभी बहुत मायूस हो गए। तभी उसके पिता कहते हैं कि उसने पहले ही खजाना हटा दिया है, पर उसे गर्व है कि वो गलत साबित हुए। जब वो बाहर जाने का रास्ता खोज रहे थे, तब बेन उस सिगार की मदद से एक और कमरे को खोलता है, जहाँ पर खजाना था। बेन लालटेन की मदद से उसे रोशनी से भर देता है। तब वो उसे पूरे राज्य के बराबर खजाना दिखाई देता है। वहाँ पर बाहर जाने का रास्ता भी था। बेन बाहर आकर एक आदमी की मदद से FBI वालों को कॉल करता है। बेन वहाँ पर आकर FBI वालों को खजाने के बारे में बताता है, और वो घोषणा पत्र भी वापस दे देता है। तब बेन कहता है कि मेरी तीन शर्तें हैं। एक तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, और इस खजाने की पूरी खोज गिव्स फैमिली और राइली पोल को मिलनी चाहिए। तभी वो FBI वाला कहता है कि किसी को तो जेल जाना पड़ेगा। तब बेन कहता है कि अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो ये मुमकिन है। वो इयान का पता उसे बता देता है, और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। अब राइली बेन और एविगेल से बातें करता है। वो कार लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।